तो आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया है कि सिरसा सीट से अशोक तंवर ही पर्चा भरने वाले हैं। काफी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस सीटों के आवंटन में क्या करने वाली है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष कौन है? नहीं, ऐसी चर्चाएं थी कि ये मुख्यमंत्री की दौड़ में है तो लोकसभा छोड़ सकते हैं, तो लोकसभा के लिए कोई अल्टरनेट कैंडिडेट कोई है? आज पहले लोकसभा चुनाव है जी, तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष कौन है? नहीं, ऐसी चर्चाएं थी कि ये मुख्यमंत्री की दौड़ में है तो लोकसभा छोड़ सकते हैं, तो लोकसभा के लिए कोई अल्टरनेट कैंडिडेट कोई है? आज पहले लोकसभा चुनाव है जी, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष कौन है? नहीं, ऐसी चर्चाएं थी कि ये मुख्यमंत्री की दौड़ में है तो लोकसभा छोड़ सकते हैं, तो लोकसभा के लिए कोई अल्टरनेट कैंडिडेट कोई है? आज पहले लोकसभा चुनाव है जी, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष कौन है? नहीं, ऐसी चर्चाएं थी कि ये मुख्यमंत्री की दौड़ में है तो लोकसभा छोड़ सकते हैं, तो लोकसभा के लिए कोई अल्टरनेट कैंडिडेट कोई है? आज पहले लोकसभा चुनाव है जी, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बयान में साफ किया है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर सिरसा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले गुलाम नबी आजाद ने भी इस बात के संकेत दिए थे और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिरसा सीट से अशोक तंवर चुनावी मैदान में होने वाले हैं। तो आपको बता दें, कयास लगाए जा रहे थे कि सिरसा सीट से शायद अशोक तंवर इस बार पर्चा ना भरे, शायद वो विधानसभा की तैयारी में लगे रहेंगे, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने भी संकेत दिए थे और अब हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ साफ अपने बयान में कहा है कि अशोक तंवर सिरसा सीट से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आपको बता दें कि अशोक तंवर सिरसा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये कहना है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। गुलाम नबी आजाद ने भी अपने बयान में यही संकेत दिया था कि सिरसा से ही चुनाव लड़ने वाले हैं अशोक तंवर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक तंवर और कांग्रेस प्रत्याशी हैं और काफी वक्त से यही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो सिरसा सीट पर चुनाव लड़ेंगे या किसी और चेहरे को इस बार सामने लाया जाएगा, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अशोक तंवर जो है सिरसा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। पहले गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान में यही संकेत दिया था और अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही कहा है कि अशोक तंवर सिरसा सीट से ही पर्चा भरने वाले हैं। तो आपको बता दें, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे अशोक तंवर। गुलाम नबी आजाद ने भी पहले यही संकेत दिए थे और अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने बयान में यही कहा है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष कौन है? नहीं, ऐसी चर्चाएं थी कि ये मुख्यमंत्री की दौड़ में है तो लोकसभा छोड़ सकते हैं, तो लोकसभा के लिए कोई अल्टरनेट कैंडिडेट कोई है? आज पहले लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।